नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे चैनल में। दोस्तों, पंजाब को मिली बड़ी तूफानी और रोमांचक जीत। जी हाँ, इस वीडियो में आप सभी को बताने वाला हूँ कि कैसे पंजाब की टीम ने दोस्तों एक बहुत बड़ी जीत हासिल की है। जहाँ लग रहा था कि पंजाब की टीम टूर्नामेंट से बाहर होने के बाद इनका मनोबल टूट चुका होगा, गिर चुका होगा, तो वहीं दोस्तों पंजाब की टीम ने एक बड़ी जीत हासिल करके दिखा दिया कि पंजाब की टीम में दमखम है और खास करके प्रीति जिंटा इस दौरान काफ़ी एक्साइटेड नजर आई। तो चलिए बात करते हैं कि मैच का क्या हाल रहा, फिर बात करेंगे कि प्रीति जिंटा ने क्या बयान दिया है केएल राहुल को लेकर। दोस्तों, आज के मुकाबले में देखने को ये मिला कि आज सनराइजर हैदराबाद ने पहले बल्लेबाजी की थी। जी हाँ, आपको बता दें क्योंकि आज सनराइजर हैदराबाद ने टॉस तो जीता लेकिन इन्होंने शायद गलत फैसला ले लिया। इन्होंने पहले बल्लेबाजी करने का फैसला लिया और ऐसे में सनराइजर हैदराबाद का ये फैसला इन्हीं पर भारी पड़ा। आज सनराइजर हैदराबाद की तरफ से अभिषेक शर्मा ने 32 गेंदों पर 43 रनों की पारी खेली थी। राहुल त्रिपाठी ने 18 गेंदों पर सिर्फ 20 रन बनाया। वहीं एडन मरकरम ने भी 17 गेंदों पर 21 रनों की पारी खेली, जबकि वाशिंगटन सुंदर ने 19 गेंदों पर 25 रनों की पारी खेली। इसके अलावा रोमेरियो सैफर्ड ने 15 गेंदों पर शानदार 26 रन बनाए। तो कुल मिलाकर के गिरते पड़ते सनराइजर हैदराबाद ने 157 रन बनाए 8 विकेट के नुकसान पर। आज नाथन इल्स ने 3 सफलता हाथ ली, जबकि हरप्रीत ब्रार को भी 4 ओवर में 26 रन देकर 3 सफलता हाथ मिली है, जबकि रवाड़ा को सिर्फ 1 सफलता मिली है। तो इस तरह से 158 रनों का टारगेट का पीछा पंजाब की टीम को करना था। तो चलिए बात करते हैं कि पंजाब की टीम ने किस तरह से टारगेट का पीछा किया है। तो जी हां, आपको बता दें आज पंजाब की तरफ से जॉनी बेस्टो और शिखर धवन ओपनिंग करने के लिए आए थे, जहां 15 गेंदों पर 23 रनों की पारी खेलकर जॉनी बेस्टो आउट हो गए, तो वहीं शिखर धवन ने आज 32 ही गेंदों पर 39 रन जड़ दिया। इसके अलावा दोस्तों, शाहरुख खान ने आज 10 गेंदों पर छोटी सी एक 19 रनों की पारी खेली, हालांकि ये उमरान मलिक का शिकार हुए। इसके अलावा मयंक अग्रवाल आज एक बार फिर से फ्लॉप हुए, सिर्फ 1 रन ही बनाकर मयंक अग्रवाल आउट हो गए। जबकि इसके अलावा देखने को ये मिला कि आज लियाम लिविंगस्टोन ने 22 ही गेंदों पर 49 रनों की बहुत ही शानदार और तूफानी पारी खेली। ये पारी दोस्तों नायाब पारी थी और ये पारी काफ़ी थी पंजाब की टीम को जीत दिलाने के लिए। आज लिविंगस्टोन ने अपनी पारी में 49 रनों की 2 चौके और 5 छक्का जड़ा। इस दौरान आज इनकी जो स्ट्राइक रेट रही वो 222 की रही, तो सोच सकते हैं आप कि कितना तेज इन्होंने खेला है। इसके अलावा फिर जितेश शर्मा ने भी आज बहुत तेज पारी खेलकर दिखाया। जितेश शर्मा ने सिर्फ 7 ही गेंदों पर 19 रन जड़ दिया। अपनी पारी में इन्होंने 3 चौकों के साथ साथ 1 छक्का भी लगाया। इसके अलावा प्रेरक मनकंड आए थे और इन्होंने 1 गेंद पर ही 4 रन लगाकर और अपनी टीम को जीत दिला दिया। तो पंजाब किंग्स दोस्तों 5 विकेट से इस मुकाबले को जीत चुकी है। इसके बाद प्रीति जिंटा काफ़ी खुश नजर आई, एक्साइटेड दिखी थी। तो यही था वीडियो में, वीडियो को लाइक करना, इसे और लोगों के साथ शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।